हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानते हैं व्हाई नेगेटिव 48 वोल्ट पावर यूज इन टेलीकॉम सेक्टर। तो हम लोग के दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, और बहुत दिनों से मेरे जो है वीडियो के नीचे में जो है मेरा जो व्यूअर है पूछते हैं कि सर, हम लोग -48 वोल्ट टेलीकॉम सेक्टर में क्यों यूज करते हैं टेलीकॉम हार्डवेयर के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में आज विस्तार पूर्वक से जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो आपका जो जो डीसी करंट है, हम लोग जानते हैं डीसी करंट होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये जो है आपका टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो है अल्टरनेटिंग करंट हम लोग यूज नहीं कर सकते। मतलब एसी करंट हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि वो सुटेबल नहीं है आपके वॉइस के लिए, आपके डेटा के लिए। ठीक है, और उसमें आपको जो है नॉइज आएगा, और मे बी वो हार्डवेयर को फॉल्टी भी कर सकता है, और ये हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है टेलीकॉम हार्डवेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एसी यूज नहीं करते हैं, डीसी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे यूज करते हैं इसके बारे में देखिए, यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, तो ये आपका एसी पावर हो गया। ठीक है, और ये आपका जनरेटर हो गया। ठीक है, जनरेटर इसलिए रखते हैं कि अगर आपका मेन्स कट हो जाती है तो हम लोग जनरेटर पे साइट को रन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसी पावर हो गया और ये आपका जनरेटर हो गया, दोनों से आपका एसी पावर ही आता है। ठीक है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम पावर प्लांट लगाते हैं। ठीक है, साइड पे पावर प्लांट लगाते हैं, उसमें जो है रेक्टिफायर मॉड्यूल हम लोग इंस्टॉल करते हैं। रेक्टिफायर मॉड्यूल का काम क्या होता है, आपका एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, एसी से डीसी में जब कन्वर्ट करता है तो डीसी पावर हम सभी इक्विपमेंट को भी दे देते हैं, और मेरा बैटरी भी चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये जनरेटर कब स्टार्ट होता है, जब मेरी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाता है, तब जब तक बैटरी बैकअप है जब तक ये जनरेटर स्टार्ट नहीं होता है। कोई कोई साइड पे जो है आपका ऑटोमेटिक ये सेटिंग किया हुआ रहता है कि जैसे ये लो बैटरी आया आपकी बैटरी में, तो ये ऑटोमेटिक ये जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो ये जो है आपका जनरेटर जो है आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, ये भी रहता है, अगर मेंस आ जाते हैं तो फिर भी आपका जनरेटर ये बंद हो जाता है, ये जो है सेटिंग क्या हुआ रहता है। ठीक है, ये अगर आप साइड पे एसी चलाना चाहते हैं, एसी का कोई डिवाइस है तो आप चला सकते हैं, या फैन है जो एग्जस्ट फैन है आप ये सब चला सकते हैं। -48 वोल्ट डीसी लोड ये तो जरूरत ही है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जो है -48 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई देते हैं सभी हार्डवेयर को। ठीक है, जो आपका 2G 3G 4G और 5G टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखते हैं इस तरह से ये पावर प्लांट रहता है, और ये आपका बैटरी है। ठीक है, ये आपका बैटरी बैंक है, और ये आपके देखिए पावर प्लांट में रेक्टिफायर लगा हुआ है, आपका फ्यूज है जिसको हम लोग एमसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रेक्टिफायर का मॉड्यूल का काम होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए 4 रेक्टिफायर मॉड्यूल, यहाँ पे ये आपका बैटरी है। ठीक है, तो ये एसी में डीसी, एसी से डीसी में जब कन्वर्ट करता है तो ये आपका बैटरी भी चार्ज होता है, और आपके साइट भी चलती है, जो भी वहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी है, जैसे 2G है 3G है 4G या ट्रांसमिशन है, फाइबर है। ठीक है, वो सभी रन करता है। ठीक है, तो जो -48 वोल्ट है टेली कम्युनिकेशन में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज है। ठीक है, इसको कंसीडर किया जाता है कॉम्प्रोमाइज वोल्टेज के तहत। ठीक है, और इसमें जो है सिग्नल लॉस नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका सिग्नल लॉस नहीं होता, जब आप पोल करते हैं तो उसमें कुछ भी ऐसी नॉइज वगैरह नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो है नॉइज को रिमूव करता है, और इसको जो है आप लंबे दूरी के लिए, लंबे डिस्टेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्योंकि अगर जब आप पावर केबल को आप रूटिंग करते हैं, ठीक है, आपको टावर पे या आप रूफ पे या जहाँ पे भी आपकी साइट है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपके जो पावर में नेगेटिव वोल्टेज आपका रन कर रहा है, नेगेटिव करेंट आपका रन कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से जो है, ये देखिए आपका एमसीबी है, ये आपका यहाँ पे हमको नेगेटिव केबल यहाँ पे कनेक्ट करना है, जो माइनस यहाँ पे करना है, और पॉजिटिव देखिए यहाँ पे करना है। ठीक है, ये बस बार है, यहाँ पे करना है, और पॉजिटिव को ही हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, नेगेटिव को नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पीडी हो गया, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है जिसको हम रेक्टिफायर से पावर लेते हैं। ठीक है, ये आपका रेक्टिफायर हो गया जिसको हम लोग पावर प्लांट बोलते हैं। पावर प्लांट में देखिए पीछे में आपका बस बार है, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव का जो केबल है यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं, और नेगेटिव वाला यहाँ पे करते हैं, जो मेरा फ्यूज है। मेन मेन जो है अपना नेगेटिव है। आप एसी एसी पावर में क्या होता है कि मेन आपका पॉजिटिव रहता है। ठीक है, लेकिन डीसी में क्या है, डीसी में जब हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में यूज करते हैं तो यहाँ पे डीसी में जो है माइनस है आपका मेन है। ठीक है, माइनस मेन है आपका, पॉजिटिव मेन नहीं है। माइनस मेन इसलिए है कि आपका जो है जो माइनस पावर है वो आपको हार्डवेयर को सेव करता है हीट से। ठीक है, आपका कॉल क्वालिटी अच्छा रखता है, आपका डेटा क्वालिटी अच्छा रखता है, आपका जो क्वालिटी में नॉइज है उसको रिमूव करके रखता है। ठीक है, जो आपका हार्डवेयर में जो सॉफ्टवेयर है उसको हैंग होने नहीं देता है, आपके बीटीएस हैंग नहीं करता, आपको बीटीएस को हैंग होने नहीं देता है, आपका जो बीटीएस है एक स्मूथली रन करता है।
ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव पावर को यूज किया जाता है। लाइटनिंग से भी बचाता है आपको, अगर लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग से भी बचाता है, ठीक है। और नेगेटिव पावर जो है में जंक नहीं लगता, कोरिजन जो होता है वो नहीं लगता इसमें, इसमें आप यहाँ पे देखिए देखिएगा तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मेन है, और यहाँ पे आपका भी नहीं लगेगा। मतलब जब अगर आप देखते होंगे एसी, एसी पावर जब यूज करते हैं उसमें देखिएगा कोरिजन लग जाता होगा आपको, ठीक है। और जहाँ पे आप डीसी पावर यूज करते हैं और मेन आपका पॉजिटिव है तो वहां पे भी देखिए कोरिजन लग जाएगा, नहीं तो आप किसी बैटरी में देखिएगा, ठीक है, प्लस पॉइंट पे आपको कोरिजन लग जाता है, ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ये चीज जो है, इस सब चीजें से बचने के लिए जो है टेलीकॉम में -48 वोल्ट पावर को यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -48 वोल्ट यूज फॉर रिमूव लेस नॉइज फ्रॉम द कॉल्स, ओके। तो आपका जो नेगेटिव जो पावर है आपको नॉइज को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। और आपका जो है नेगेटिव वोल्टेज सेफ फॉर द ह्यूमन बॉडी व्हाइल डूइंग द टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटी। द नेगेटिव पावर जो है आपका ह्यूमन बॉडी के लिए भी सही है, अगर कोई इंजीनियर कोई टेक्नीशियन साइड पे काम कर रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, ठीक है। मेन तो आपका टेलीकॉम का हार्डवेयर है, उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि टेलीकॉम का जो हार्डवेयर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्त, तो उसमें जो है ना छोटा छोटा डिवाइस लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, ठीक है, तो मोबाइल को क्या करते हैं आप डायरेक्ट जो है आप किसी एसी सॉकेट में कनेक्ट करते हैं, लेकिन एसी में जब कनेक्ट करते हैं लेकिन उसके जो एडाप्टर रहता है उसमें कन्वर्टर रहता है। एसी को क्या करता है डीसी, एसी को क्या करता है डीसी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल को चार्ज करता है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप ले लीजिए, ठीक है, उसको हम लोग डीसी ही पावर देते हैं, ठीक है। तो डीसी पावर इसलिए देते हैं कि वो हैंग नहीं होता है, हीट नहीं होता है, ठीक है, इसके इससे बचने के लिए जो है हम लोग डीसी पावर देते हैं। और यहाँ पे देखिए -48 वोल्ट इज यूज फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट टू अवॉइड हीट फॉर बेटर कॉल एंड डेटा क्वालिटी। जैसे मैंने बताया कि जो हीट और बेटर कॉल एंड डेटा क्वालिटी और बेटर ट्रैफिक के लिए जो है हम लोग -48 वोल्ट को यूज करते हैं हार्डवेयर में, क्योंकि हार्डवेयर में मेरा सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। अगर वहाँ पे हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो मे बी मेरा सॉफ्टवेयर हैंग हो सकता है, और सॉफ्टवेयर में जितने भी पैरामीटर है, ठीक है, सभी हैंग हो सकता है, तो मेरी साइट डाउन हो जाएगी और फिर ना तो कॉल चलेगा ना तो डेटा चलेगा, ठीक है। फिर है आपका -48 वोल्टेज सेफ फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए लॉन्ग पावर केबल ऑन सेल फोन टावर, ठीक है। तो आपका अगर -48 वोल्ट है तो आप लंबे केबल को आप रूटिंग कर सकते हैं लंबे दूरी तक, ठीक है, जहाँ पे आपके आरआरयू को पावर देना है या बीटीएस को देना है या जो भी डिवाइस को आपको पावर देना है टेलीकॉम साइड पे, तो आप सो विदाउट हेजिटेशन आप पावर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको करंट नहीं लगेगा। पॉजिटिव वोल्टेज कंपेरेटिवली मोर कोरिजन इन द मेटल देन नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता रहा था कि इसमें जो है कोरिजन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे किस तरह से ये कोरिजन लगा हुआ है, क्योंकि ये जो है आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव मेन है, ठीक है। तो ऐसा आपका टेलीकॉम साइड पे आप नहीं देखेंगे, कोरिजन नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो है नेगेटिव पावर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए आपका जो ये जो है मेन आपका नेगेटिव है केबल है, और ये आपका पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को ये ग्राउंडिंग किया हुआ गया है, क्या क्या है। तो फाइनली मैं आपको दोस्त बताता हूँ कि नेगेटिव वोल्टेज को इसलिए यूज किया जाता है कि जो टेलीकॉम साइड पे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में छोटा छोटा आपका डायोड रहता है और छोटा छोटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रहता है जो आपका जो पॉजिटिव वोल्टेज को हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है। मे बी वो फॉल्टी हो जाएगा, मे बी वो हैंग हो जाएगा, मे बी वो खराब हो जाएगा, और आपका सॉफ्टवेयर है मे बी आपका जो सॉफ्टवेयर उसमें आपका रन नहीं करेगा, ठीक है, मे बी सॉफ्टवेयर आपका हैंग हो जाएगा, हैंग हो जाएगा तो आपका पूरा पैरामीटर आपका आपका वर्क नहीं करेगा, तो फिर आपकी साइट डाउन हो जाएगी, आपका ना तो कॉल ऑन ना था आपका डेटा चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसीलिए हम लोग जो है नेगेटिव पावर को यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग नेगेटिव पावर यूज करते हैं टेलीकॉम साइड पे। तो